और उन्होंने साफ तौर पर ही कहा है कि आंकड़ों में नहीं उलझना चाहिए और एक्शन करना चाहिए, उस पर क्रियान्विति होनी चाहिए। उसमें हम यदि पिछली सरकारों से या पिछले आंकड़ों से तुलना करेंगे तो आज का पाप नहीं ढक सकता, और इसलिए स्वाभाविक तौर पर वो देर से आए, लेकिन चलिए हम ये मान लेते हैं दुरुस्त आए, केंद्र के इशारे पर आए, खुद की प्रेरणा से आए, लेकिन कम से कम 20 दिन बाद वो पहुंचे तो सही मौके पे। मुख्यमंत्री जी तो नहीं गए, उनके मंत्री उनसे एक दिन पहले ही जाके आए, तो मुझे लगता है कि उन्होंने जो कहा है वो बेशक सरकार की अंदरूनी राजनीति का हिस्सा होगा, लेकिन ये बात उन्होंने ईमानदारी से कही और ये बात सही भी है कि वहाँ पर आंकड़ों पर उलझने की बजाय यदि इन 20 दिनों में सरकार वहाँ वेंटिलेटर की, नेबुलाइजर की, वार्मर की व्यवस्था करती तो शायद संक्रमण उतना नहीं होता, उसको कंट्रोल किया जा सकता। आज वही सवाल जब अशोक गहलोत से पूछा गया तो वो उस सवाल को टाल कर हाथ जोड़ कर उठ गए प्रेस वार्ता से। अभी कई दिन लगा हाथ जोड़ के काम चलाएंगे, वो कैडेंगलेटी उनके पास कुछ अभी पर उन्मादियों का हमला, ये इस बात का संकेत है कि नागरिकता संशोधन कानून पर जिस तरीके से सरकार ने लोगों के हकों के लिए काम शुरू किया तो उनकी बौखलाहट साफ तौर पर देखी जा सकती है। इस तरीके की घटनाओं से कम हिंदुस्तान के लोगों को सबक लेने की आवश्यकता है, ऐसी राज्य सरकारों को सबक लेने की आवश्यकता है जो इस कानून का विरोध करती हैं। मुझे लगता है कि ये उस बात का प्रमाण है कि ऐसे देशों में खासतौर पर जहां हमारे लोग अल्पसंख्यक हैं, भारत में अल्पसंख्यक महफूज हैं, उनके इज्जत और इकबाल की रक्षा होती है, उनको इबादत की और हर तरीके की आज़ादी है, संसाधनों पर अधिकार है, लेकिन भारत के अल्पसंख्यक जो मूल भारतवंशी खासतौर पर सिख और हिंदू, उनकी किस तरीके की परिस्थितियाँ हैं कि धार्मिक स्थलों को इस तरीके से निशाना बनाया जाए, ये बानगी है। इसलिए ये सबक लेना चाहिए इस तरीके के लोगों को जो इस तरीके की बातों को प्रश्रय देते हैं उस अलगाव को और सिखता के लोगों को।